सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाबर स्टेज कॉम कैप्सूल के बारे में। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आपको लेना है और क्या रिजल्ट है, क्या प्राइस है, सारी जानकारियां जो है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों प्राइस से शुरुआत करते हैं। ये जो डाबर स्टेज कॉम कैप्सूल जो है, इसका प्राइस क्या है? तो दोस्तों, ये 65 रुपये में 10 टेबलेट आपको मिलेंगी। एक जो स्ट्रिप आती है, जो पत्ता आता है ना दवाई का, वो 65 रुपये का रहेगा और 10 टेबलेट इसमें मिलेंगी आपको। तो दोस्तों, प्राइस जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज वगैरह होता रहता है, तो अभी का जो प्राइस है 65 रुपये 65 रुपीज है। तो दोस्तों, ये जो है अश्वगंधा, ये इसमें जो है अश्वगंधा रूट का एक्सट्रैक्ट है। मतलब ये जो है अश्वगंधा, ये जो कैप्सूल है इसमें अश्वगंधा मिलाया गया है, और अश्वगंधा का जो रूट होता है, ये जो पौधा होता है ना अश्वगंधा का, उस रूट मतलब उस जड़ से बनाई गई ये मेडिसिन है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है स्ट्रेस कॉम कैप्सूल इसका नाम ही है, तो स्ट्रेस के लिए काफ़ी अच्छी है ये। तो दोस्तों, बेनिफिट के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा इसको खरीदना कहाँ से है। तो दोस्तों, आप कोई भी जो आयुर्वेदिक जो मेडिकल स्टोर होते हैं ना, वहाँ से आप खरीद सकते हो, या फिर दोस्तों आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन जो है चेक कर लीजिएगा। तो आप जो है अमेजोन से भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, और अगर ये दोस्तों आप ऑनलाइन खरीदते हो तो हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आप बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों इसका नाम है स्ट्रेस कॉम कैप्सूल, तो ये स्ट्रेस के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आपको स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है, बहुत ज़्यादा आप तनाव में रहते हैं, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। काफ़ी हद तक जो है आपके लिए यूज़फुल रहेगी ये मेडिसिन। तो दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, कई लोग दोस्तों चिंता तनाव डिप्रेशन में रहते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है इस मेडिसिन को लेने से। और अगर आपको बार बार थकावट होती है, आप बहुत जल्दी थक जाते हो, चाहे वो मेंटली थक जाओ या फिजिकली थक जाओ, तो उस कंडीशन में भी जो है काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है ये। तो दोस्तों, ये जो ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं ना, तो उसके लिए काफ़ी जो है यूजफुल मेडिसिन है ये। और इसके अलावा दोस्तों, आपके स्टेमिना वगैरह भी बढ़ाएगा। जो भी आप काम करते हो, चाहे वो मेंटली काम करते हो, मतलब दिमागी काम हो आपका, या फिजिकली काम हो, तो दोस्तों दोनों में जो है स्टैमिना बढ़ाने का काम करती है ये। इसके अलावा दोस्तों, याददाश्त आपकी बढ़ाती है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती सही ढंग से, तो उसमें भी काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है। अगर भी रात में लेते हो तो आपको अच्छी नींद आएगी। और कई लोगों को दोस्तों चक्कर टाइप भी आते हैं बीच बीच में, तो उसमें भी काफ़ी यूजफुल मेडिसिन मानी गई है ये। खास तौर से दोस्तों, जैसे जैसे एज होते जाती है, उम्र होते जाती है, तो आपने देखा होगा कि याद रखने की क्षमता या हमारी याददाश्त जो है कमज़ोर होते जाती है, तो उसमें काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये दोस्तों। अगर आपकी एज हो रही है, मान लीजिए आपकी 30+ एज हो गई, 35+ एज हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा आप भूलने लगे हो, भूलने की बीमारी होने लगी है, तो उस कंडीशन में आप ये ले सकते हो, आपके लिए काफ़ी काम की मेडिसिन हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका बार बार सर दर्द भी होता है बीच बीच में, तो उसमें भी काफ़ी यूजफुल मेडिसिन है। तो मतलब एक प्रकार से ब्रेन का टॉनिक भी आप इसको बोल सकते हो। तो आपने देखा दोस्तों कितने सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, आपको अश्वगंधा नाम से तो पता ही होगा ना, अश्वगंधा नाम जो है ये ब्रेन का टॉनिक भी बोल सकते हो, क्योंकि जिनको ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है, तो उनको बोला जाता है कि आप अश्वगंधा लीजिए। तो इधर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके डोज के बारे में बात करते हैं, इसके डोज क्या है। तो एक कैप्सूल आपको एक दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, और ये आप दूध और पानी दोनों के साथ ले सकते हो। अगर आप दूध के साथ लोगे तो आपको और अच्छा फायदा मिलेगा, तो मैं इधर रिकमेंड करूंगा आप दूध के साथ लीजिए। तो दोस्तों, ये डोज जो है आप जो है अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो केवल एक कैप्सूल लीजिए। एक कैप्सूल जो है आप रात में सोने से पहले ले लीजिए, और दूध के साथ ले तो और बेहतर रहेगा। बाकी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप इसको 2 बार लीजिए, मतलब 24 घंटे में 2 कैप्सूल लीजिए। तो इधर दोस्तों आपको डोज के बारे में पता लग गया। अब इधर हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो दोस्तों इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन तब भी अगर आपको कुछ लगता है कि भाई इसको लेने के बाद प्रॉब्लम हो रही है आपको हेल्थ में, तो आप इसको बंद कर सकते हो। हालांकि इसका दोस्तों आपको साइड इफेक्ट देखने को मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। अब ये दोस्तों मेल फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को अगर देना है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो भी दोस्तों इसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हालांकि प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है, लेकिन दोस्तों अननेसेसरी मेडिसिन जो है प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए, तो एक बार जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा आप। अब दोस्तों इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा आपको।
अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह करते हो तो इधर जो है बंद करना पड़ेगा। अगर आपको इस मेडिसिन का अच्छा खासा फायदा देखना है तो या अच्छा खासा फायदा लेना चाहते हो तो आपको अल्कोहल स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा। और हो सके तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, अगर एक्सरसाइज करोगे तो और अच्छा रहेगा और अच्छा जो है इस मेडिसिन का आपको फायदा मिलेगा। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी कोई पहले से मेडिसिन चल रही है तो वो भी आप ले सकते हो। थोड़ा सा समय का डिफरेंस रखिएगा, टाइम का डिफरेंस रखिएगा। अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हो तो उसके 1 या 2 घंटे बाद इस मेडिसिन को लीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए जो है आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों कई लोग जो है डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कई लोग बीपी के पेशेंट होते हैं, तो वो दवाई वगैरह तो खाते हैं, तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम का जो है डिफरेंस रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी इधर बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट कब तक मिलेगा। तो कम से कम दोस्तों आपको 1 महीना लेके देखना पड़ेगा। 1 महीने में आपको काफी कुछ जो है पता लग जाएगा और अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए जो है कम से कम आपको 3 महीना इसको लेके देखना पड़ेगा। 3 महीने लेने के बाद जो है आपको इसका और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इधर जो है पूरी डिटेल मैंने दे दी है इस डाबर स्टेज कॉम कैप्सूल के बारे में। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इस टाइप से अगर आप वीडियो देखना चाहते हो आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड या डाबर की जो मेडिसिन आती है उससे रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं बना भी चुका हूँ और आगे भी बनाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरे इधर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रही हो देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।